देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनमें से महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ोतरी के साथ दिख रहा है। देश के कई राज्यों ने संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को थामने के लिए कड़ियां पाबंदियां लगाई हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन तो कई ने नाइट कर्फ्यू लगाए हैं। कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए बिहार ने कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहां पर कोरोना पड़ रहा है, तो बहुत लोग यहां के जो वहां गए हुए हैं या रहते हैं उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की, तो वैसे लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था, तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते और खास करके महाराष्ट्र से तो उनका सबका पूरा का पूरा टेस्ट और जहां भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में एक साथ 37 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यही नहीं, एम्स में भी कई डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण हो गया है। बताया जाता है कि कई डॉक्टर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बरेली शामिल है। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने भी सभी शिक्षण संस्थान 17 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 3 रात 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कर्नाटक के 8 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इनमें बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कालाबुर्गी, बीदर, तुमकुरु, उडुपी और मणिपाल जिले शामिल हैं।